नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ मैं अनुव्रत शर्मा। खबर आ रही है मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज नवनिर्मित जिला अस्पताल का लोकार्पण कर इस अस्पताल का नाम कांग्रेस के स्वर्गीय नेता माधवराव सिंधिया के नाम पर रखने का ऐलान किया है। कार्यक्रम में सीएम कमलनाथ के साथ प्रदेश सरकार के चिकित्सा मंत्री तुलसी सिलावट, मंत्री विजयलक्ष्मी साधो और प्रभारी मंत्री हर्ष यादव भी मौजूद रहे। इस अस्पताल को अपग्रेड करके 500 बिस्तर का अस्पताल बनाया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अस्पताल के लोकार्पण के साथ जिले भर में 127 करोड़ के अन्य निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास भी किया। इंडिया खबर लाइव के लिए विदिशा से एलएन चौबे की रिपोर्ट। स्टाफ नर्स 33 दी, क्योंकि आपसे मैं फिर अनुरोध कर रहा हूं, क्योंकि जो जिला अस्पताल 350 बिस्तर का विदिशा के लिए बना है, सबकी इच्छा है, सबकी अभिलाषा है, सबकी आरजू है। सद्य मुख्यमंत्री जी, आपने मुझे निर्देश दिया है, मैं आपके सामने ये संकल्प लेता हूं, इसके विकास के लिए, इसकी प्रगति के लिए, इसकी उन्नति के लिए कोई भी कमी नहीं आने दी जाएगी। आपके संकल्प को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। हर्ष यादव जी, विधायक शशांक भार्गव जी, शशांक भार्गव जी, एक बात बताना चाहता हूँ शशांक भार्गव जी के बारे में। हर 10-15 दिन मुझे मिलते हैं, इतने सारे आवेदन अपने क्षेत्र के विदिशा के हित और विकास को लेकर, ये गिन कर नहीं लाते ये आवेदन, ये तोल के लाते हैं इतने सारे आवेदन। मैं तो बधाई देता हूँ आप सबको कि आपने शशांक भार्गव जी के ऊपर विश्वास रखा। ये हमारे विधायक गण के लिए एक उदाहरण है। हमारे विधायक उमाकांत शर्मा जी, लीना जैन जी, श्रीमती राजेश्वरी जी, श्री प्रहलाद, श्री प्रताप भानु शर्मा जी, शैलेंद्र रघुवंशी जी, निशंक जैन जी, वीर सिंह रघुवंशी जी, रघुवीर सिंह जी, बहुत खुशी हुई आज फिर से विदिशा आकर। ऐसा प्रदेश सौंपा गया हमें जहां पूरे देश भर में सबसे ज्यादा आत्महत्या किसानों की, ऐसा प्रदेश हमें सौंपा गया जहां बेरोजगारी में पूरे देश भर में मध्य प्रदेश नंबर वन, ऐसा प्रदेश जहां महिलाओं पर अत्याचार में नंबर वन, ऐसा प्रदेश जिसकी तिजोरी खाली। ये मैं नहीं बोल रहा, ये मैं नहीं बोल रहा, मैं तो दोहरा रहा हूं।